हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बटरफ्लाई कंपनी के वो से आने वाला बटरफ्लाई हीरो मिक्सर ग्राइंडर के बारे में, तो जिसके साथ में आपको 3 जार देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसे यूज़ करके, इसे हम टेस्ट करके भी देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ग्राइंड करके भी देखेंगे प्रॉपरली होती भी है भी कि नहीं। जैसे राइस हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया और जो कि धनिया हो गया, वो सारी चीज़ें मैं ग्राइंड करके टेस्ट करके आपको बताऊंगा। और इसके अंदर कितने वोल्ट की मोटर देखने को मिलेगी, मोटर पावरफुल है भी कि नहीं, या फिर ये कितना नॉइस करता है, या फिर इसके अंदर कितना हीट होता है, या फिर इसकी बॉडी जो गर्म हो जाती है, या इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी प्रॉपर है भी कि नहीं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप भी सोचो कोई अच्छा सा मिक्सर ग्राइंडर परचेस करने के लिए। आपका बजट अराउंड 1000 रुपीज से लेके 1500 रुपीज के बीच में। तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था 1499 का। अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है सेम इसी टाइप का मिक्सर ग्राइंडर को 1800-1900 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। तो कुछ इस टाइप का ओवरऑल पूरा बॉक्स पैकिंग देखने को मिल जाएगा। सामने बटरफ्लाई हीरो मिक्सर ग्राइंडर जो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, और इस साइड में आपको जो कि इसके प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन दिए गए। बॉक्स पे आपको काफी ज्यादा प्राइस देखने को मिल जाता है। वारंटी की बात करें, कंप्लीट प्रोडक्ट पे आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाएगी। और इधर आप देख सकते हैं जैसे कि 2 ईयर मोटर पे वारंटी दी गई, 1 ईयर प्रोडक्ट पे वारंटी दी गई, और 500 वोल्ट का जो कि पावरफुल मोटर इसके अंदर यूज किया गया है। तो मोटर पे भी आपको वारंटी इसके अंदर ज्यादा देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू दूसरे प्रोडक्ट से। तो चलो इसे मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ। सो बॉक्स के अंदर आपको मिक्सर ग्राइंडर देखने को मिल जाएगा, इधर बटरफ्लाई की ब्रांडिंग, इधर हीरो, इधर कुछ इस टाइप का नॉब देखने को मिलेगा। इसका जो फंक्शनलिटी वो बहुत ही लेटेस्ट बनाया गया है, उसका डिजाइन भी बहुत ही लेटेस्ट बनाया गया है। और बैक साइड में आपको रिवर्स का भी देखने को मिल जाता है। और वायर की क्वालिटी की बात करें, कुछ इस टाइप का वायर है। वायर की लेंथ की बात करें, अराउंड आपको 5 फीट तक का वायर देखने को मिल जाएगा ओवरऑल। ऊपर से अंदर की साइड से कुछ इस टाइप का आपको मोटर की फंक्शनलिटी देखने को मिलेगी। बैक साइड में आपको कोई भी वायर वगैरह रखने की स्पेस नहीं दी गई है, जो कि अभी लेटेस्ट वाले जो मिक्सर आते हैं उसमें वायर की स्पेस नहीं रहती है, जितना हो सके उतना वो छोटा साइज मिक्सर क्रिएट करते हैं। और ये आपको जो कि 3 जार इसके साथ में आ गए। तो सबसे बड़ा वाला जार की बात करें, 100% आपको स्टेनलेस स्टील दिया गया, काफी अच्छा शाइनी है। और अंदर के साइड में कुछ इस टाइप का ब्लेड्स देखने को मिल जाता है, नीचे के साइड में कुछ इस टाइप का ओवरऑल देखने को मिल जाता है। नीचे प्लास्टिक मटेरियल है, बहुत ही प्रीमियम प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है। उसी तरह बात कर लेते हैं हमारे जो कि मीडियम साइज जार के, तो इसका जो हैंडल है, हैंडल सभी का एकदम प्रीमियम दिया गया, छोटा वाले का जो कि आपको हैंडल देखने को नहीं मिलेगा। और नीचे के साइड में कुछ इस टाइप का 100% स्टेनलेस स्टील को यूज किया गया, कुछ इस टाइप की ब्लेड्स है। और उसके बाद में कैप्स की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर कैप जो कि बहुत ही अच्छे दिए गए, जो इसके रबड़ है वो कैप के अंदर ही, जो लीड के अंदर ही अटैच है, तो ये निकलने का टेंशन नहीं रहता है। और बीच में आपको कुछ इस टाइप का ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि प्लास्टिक मटेरियल, तो आपको बार बार ढक्कन को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कुछ भी चीज पीस रहे हो ऊपर से ही आप देख लोगे, इसके बाद में नहीं प्रॉपर पिसाया रहेगा तो वापस से आप जो चालू कर दोगे, तो इसमें टाइम का भी काफी ज्यादा बचत हो जाता है। उसी तरह आपको इधर भी कुछ इस टाइप का कैप देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर आपको कोई भी ट्रांसपेरेंट कैप देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ इस टाइप का ओवरऑल इसका कैप है, और इसका जो कि कुछ इस टाइप का ब्लेड्स देखने को मिलेगा, नीचे के साइड में कुछ इस टाइप का बना हुआ है। अब जो कि ओवरऑल बॉडी की बात करें, प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई है। अब मैं इसे यूज करके भी आपको बता देता हूँ। तो इसका 5 फीट का आपको जो कि वायर देखने को मिलेगा, आपका सॉकेट दूर है तो आपको एक्सटेंशन बोर्ड इस टाइप का यूज करना पड़ेगा। और ये 10 एम्पीयर का एक्सटेंशन बोर्ड है, आराम से फ्रीज वगैरह 2 फ्रीज 3 फ्रीज इस पे लोड हो जाता है। और ये 500 वोल्ट का जो मिक्सर है, ऐसे जो कि दो मिक्सर आराम से इस पे जो कि लोड ले लेते हैं। तो आप एक्सटेंशन बोर्ड को भी यूज करोगे तो अच्छा क्वालिटी का यूज करना, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको देखना रहेगा तो आप देख लेना। तो प्लग को मैंने सॉकेट में लगा लिया है। अब मैं सबसे पहले जो कि इधर डिफरेंट डिफरेंट चीजें, तो सबसे पहले हम राइस को ग्राइंड करके देख लेते हैं। राइस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, हार्ड रहता है, इसे ग्राइंड करना जो कि सबसे फर्स्ट टास्क रहता है, जो कि टफ टास्क होता है। तो इससे पता चल जाता है मिक्सर कितना पावरफुल है, कितना बारीक ग्राइंड कर पा रहा है। तो इसके अंदर मैंने हाफ जो कि राइस फिल कर दिया है, और इसको आपको जो कि इसके अंदर लगा देना है। और उसके बाद में आप लीड पहले लगा दो तो भी कोई इशू नहीं, और इसको आप एकदम टाइट लीड फिट करना। और इसको जब आप फिट करो तो आप देख लीजिए ये प्रॉपरली एकदम लॉक लग जाए, इधर आपको लॉकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, तो वो प्रॉपरली एकदम लगना चाहिए। इसको आप चेक करने के लिए इसे आप पूरा रोटेट कीजिए, रोटेट करने के बाद में ऊपर के इसको उठा के आप देखिए कि प्रॉपरली जो कि है ना हो रहा है कि नहीं, मतलब ये लूज रहेगा तो मतलब ये बाहर निकल जाएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा पूरा मिक्सर उठ रहा है तो मतलब प्रॉपर एकदम लॉक लग चुका है, सेट हो चुका है। इसके बाद में आपको कैप को एकदम टाइट फिट कर लेना, थोड़ा भी साइड से जो कि स्पेस वगैरह गैप वगैरह नहीं देना देना है, तो जिसके कारण ये एकदम प्रॉपर फिट हो जाएगा। तो चलो अब मैं इसे स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ, शो करके यूज करके, और उसके बाद में ग्राइंड कितना हो रहा है वो भी आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इसे मैं करता हूँ फर्स्ट पे सबसे पहला, और आपको साउंड का भी अंदाजा हो जाएगा किस टाइप का साउंड आता है। तो अभी मैंने 10 सेकंड के लिए जो कि इसे ग्राइंड किया राइस को, अब देख लेते हैं हम राइस कितना ग्राइंड हुआ है कितना नहीं हुआ है, जिससे कि पता चल जाएगा कि कितना पावरफुल ये मिक्सर है।
तो आप देख सकते हो राइस मेरा एकदम बारीक तरीके से पूरा ग्राइंड हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा एकदम बारीक हो चुका है। थोड़ा भी मतलब ऐसा लग रहा नहीं है कि मतलब आप मोटे मोटे कण है। और इसे आप और भी एकदम बारीक करना चाहते हो तो थर्ड पे यूज़ कर सकते हो। तो 10 सेकंड ही मैंने यूज़ किया और विद इन 10 सेकंड में हमारा एकदम राइस को बारीक तरीके से ग्राइंड कर दिया। तो बहुत ही पावरफुल और अच्छा आपको जो कि इसका जार भी देखने को मिल जाता है और ये मिक्सर भी देखने को मिल जाता है। और काफ़ी लोग को ये रहता है कि जो इसके मिक्सर के अंदर के जो ब्लेड है वो ब्लेड जो कि शार्प नहीं है इतने, जो कि आपको देखने को मिलता रहेगा काफ़ी लोगों को। और काफ़ी जो डिफरेंट मिक्सर रहते हैं इसके अंदर 4 ब्लेड देखने को मिलते हैं, पर इसके अंदर आपको इसके अंदर भी 2 ब्लेड ही देखने को मिलेंगे बड़े जार के अंदर, और इसके अंदर भी आपको 2 ब्लेड देखने को मिलेंगे। तो ये शार्प से नहीं, इसका जो फोर्स और प्रेशर जो है इसके कारण ये बहुत ही बारीक ग्राइंड कर देता है। एज कम्पेयर टू आप दूसरे मिक्सर से भी कंपेयर करोगे तो इससे भी ज़्यादा ये पावरफुल जो कि आपको ब्लेड्स देखने को मिल जाएगी। इसे आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। और ऑलरेडी मैंने जो कि बटरफ्लाई का बड़ा वाला दूसरा 3000 वाला मॉडल है वो मैंने यूज़ किया, वो इसके भी सेम ब्लेड दिए गए। तो ये बहुत ही पावरफुल और अच्छे, ये शार्पनेस से नहीं है मतलब शार्प है हल्के हल्के, लेकिन ये थिकनेस भी इनकी है तो उसके कारण प्रेशर के कारण भी काफी जल्दी और फास्ट ग्राइंड हो जाता है। तो ये तो हो गया, अब बात कर लेते हैं हम सेकंड जो कि चने की दाल है इससे हम ग्राइंड करके देख लेते हैं किस टाइप का ये ग्राउंड होता है। तो अराउंड मैंने 10 सेकंड के करीब इससे भी ग्राइंड किया, आप देख लेते हैं इसके अंदर किस तरह ग्राइंड हुआ है। सो आप देख सकते हो 10 सेकंड में हमारा जो कि ये पूरा हीट भी गर्म भी हो चुका है ये वाला, और 10 सेकंड में हमारे दाल एकदम बारीक जो कि बेसन की तरह मेरे हिसाब से बन गई है, एकदम जो कि बारीक हो चुकी है। तो इसे आप आराम से जो कि ना बड़े बड़े जो दाल वगैरह थे मक्के भी आराम से आप इसके अंदर ग्राइंड कर सकते हो, इतना ये पावरफुल है। और ये काफी अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है, अभी 10 सेकंड और मैं चलाता तो और भी बारीक मतलब एकदम बारीक और ग्राइंड कर देता। और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो किस टाइप का है जो कि मैं हाथ पे लेके आपको दिखा देता हूँ, इतना आपको पूरा एकदम बारीक देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गया, उसी तरह हम लास्ट में धनिया धनिया को भी ग्राइंड करके देख लेते। तो जो कि बड़े बड़े पावरफुल चीजें जो पहले हो गई वो ग्राइंड कर ले, तो धनिया तो इजीली हमारा ग्राइंड हो ही जाएगा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस बार धनिया को हम ना बड़े वाले जार में जो कि मीडियम साइज वाले जार में ग्राइंड करेंगे। तो ये पूरे धनिया को मैं फील कर देता हूँ, आप देख सकते हो धनिया ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मैंने इसके अंदर फील कर दिया है। तो इसके लीड्स को मैं करता हूँ बंद। तो कंप्लीट मैंने 20 सेकंड तक जो कि इसे ग्राइंड किया, अब हम देख लेते किस तरह हमारा ये बारीक हुआ है भी कि नहीं, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा। सो आप देख सकते हो धनिया भी हमारा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इतना बारीक हो चुका है। तो जैसे कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो कि है ना इसके अंदर ग्राइंड करके आपको शो भी कर दी, तो काफ़ी अच्छे जार इसके देखने को मिल जाते हैं, उसके काफ़ी पावरफुल और अच्छे ब्लेड्स भी देखने को मिल जाते हैं। एज़ कम्पेयर टू दूसरे मिक्सर से भी ज़्यादा बारीक ही अच्छे तरीके से प्रॉपर ग्राइंड कर देता है विद इन 10-15 सेकंड में, बिजली का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बचत हो जाता है। तो जैसे कि मैंने चना हो गया, राइस हो गया, और ये आप देख सकते हो धनिया हो गया, डिफरेंट डिफरेंट ग्राइंड करके ओवरऑल पूरी शो कर दी। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बटरफ्लाई का मिक्सर मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और आपको बाय करना है तो जैसे कि मैंने ये अमेजोन से परचेज किया था 1500 के करीब, अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है जो बेस्ट सेलर है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जब मैंने परचेज किया ये ऑफर में चालू था, तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। और ये वीडियो आप 2022 या फिर 2023 में देख रहे हो तो 6 मंथ में हमारे इस टाइप के मिक्सर अपडेट होते रहते, जो लेटेस्ट वाला रहेगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।